एकादशी जानिए व्रत रखने का सही तरीका और पूजा का शुभ मुहूर्त। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्कूल। अपरा एकादशी जिसे ज्येष्ठ मास की एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये वर्ष में दो बार आती है, एक बार ज्येष्ठ मास में और दूसरी बार कार्तिक मास में। इस साल अपरा एकादशी 2 जून यानी रविवार को पड़ रही है और यह भगवान विष्णु की पूजा का विशेष दिन है। इस दिन मौन रहने का विशेष महत्व है। मौन रहने से मन को शांति और पवित्रता प्राप्त होती है। वाणी को नियंत्रित करने से पापों से बचा जा सकता है। वहीं मौन रहकर आत्मचिंतन करने से आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति का साधन भी माना गया है। वहीं भगवान विष्णु की कृपा इस व्रत को रखने से मिलती है। जी हाँ, इस व्रत से मन को शांति और पवित्रता प्राप्त होती है। बता दें कि एकादशी की तिथि 2 जून को सुबह 5:04 से शुरू होगी, जो कि 3 जून को देर रात 2:41 तक रहने वाली है। वहीं यदि पूजा के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:23 से दोपहर 12:12 तक रहने वाला है। जो लोग 3 जून को व्रत रखेंगे उन्हें सूर्योदय के बाद भगवान त्रिविक्रम की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि व्रत के पारण का समय 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर 8:10 तक होगा। इस बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। वहीं व्रत की शुरुआत दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले स्नान करके और हल्का भोजन करके करनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वहीं भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और व्रत का संकल्प भी लें। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। नमक, अनाज, फल और फलों का रस का सेवन आप ना करें। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जाप करें और धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी जरूर करें। वहीं शाम के समय फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें और उनकी आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद पारण करें। पारण में आप खीर, दही, फल और सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस व्रत पर मौन रहने का आपको कितना महत्व है। देखिए, अपरा एकादशी के दिन मौन रहने और मन शांत रखने का विशेष महत्व है। ये नकारात्मक विचारों से हमें मुक्ति मिलाता है। मौन रहकर आत्मचिंतन करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं एकाग्रता बढ़ती है और कार्यों में सफलता मिलती है। मौन रहने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन जो जातक मौन रहता है उसे वाणी के पापों से मुक्ति मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद।